मुझे साथ साथ आंसर दो, ये क्वेश्चन है, मूविंग पुली का क्वेश्चन है, हमने मूविंग पुली की हुई है, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली मूविंग है। आप बस मुझे पहला पॉइंट ये बताएं, ये एक स्ट्रिंग है दिख रही है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और फिर यहाँ से यहाँ आई, दिख रही है यहाँ तक, और स्ट्रिंग मासलेस है, तो टेंशन इसमें क्या रहेगी एग्जैक्टली? ठीक है, तो टी बनाओ पहले, सबसे पहले टेंशन टी टी एन टी, फिर यहाँ पर टेंशन टी टी एन टी, फिर यहाँ पर भी टेंशन टी और टी जो बनाना है यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ पे टेंशन क्या होगी? टू टी, क्योंकि इस पोर्शन में टेंशन क्या होती है? डबल होती है, कितनी? टू टी एंड टू टी पेयर में, और यहाँ पर वेट क्या होगा? एम जी। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इसमें? यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन आंसर दो, टेंशन की वैल्यू क्या होगी स्ट्रिंग में? टी की वैल्यू 2 mg, प्रूव करो मैथमेटिकली 2 mg क्यों, ज्यादा कम क्यों नहीं? लोग तुमसे पूछेंगे कि जब तुम इस रस्सी को खींच रहे हो तो फिर 2 mg बड़ा है और टी छोटा है। हाँ बिल्कुल सही, कैसे? क्योंकि अगर आप इसका इस पोर्शन को, रस्सी के इस पोर्शन को कोई पॉइंट लें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो फोर्स 2 mg कहाँ कर रहा है? नीचे। तो मैं यहां बना रहा हूं, इस रस्सी का ये पोर्शन है, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स है? 2 mg, और ऊपर टेंशन क्या लग रही है? टी, और ये रस्सी कहाँ आ रही है? नीचे, तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज मास ही नहीं है ना रस्सी का, तो इसलिए टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? 2 mg ना, 0 नहीं, 2 mg भाई। ठीक है, अब एक शॉर्टकट सुन लो, आज के बाद ये भी नहीं करना, आज के बाद अगर रस्सी को खींचा गया बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और मास नहीं है, रस्सी को ही खींच रहे हैं, तो पूरी टेंशन 10 न्यूटन हो जाएगी। अगर 20 न्यूटन तो शॉर्टकट है, 20 न्यूटन ही बोल देना, और अगर 2 mg तो 2 mg। तो यहां तक क्लियर है, शॉर्टकट याद रहेगा? अगर यहां मास नहीं लगा हुआ और आपने स्ट्रिंग को खींच दिया बाय सम फोर्स, तो वही फोर्स टेंशन बन जाएगी। चलो अब यहां अगर टेंशन ऊपर 2 mg है, तो फिर ये भी बोल दो यहां पे टेंशन क्या होगी? 4 mg, मानते हो? 4 mg, डबल कर दें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे टेंशन बना देता हूं 4 mg एंड 4 mg, सही है। अब आपने इसकी एक्सलरेशन निकालनी है, आप बस मुझे पहले ये बताओ कि इसकी एक्सलरेशन, चलो ऐसे करते हैं, इसकी एक्सलरेशन तो वैसे निकल ही जाएगी, वैसे 4 mg तो नीचे जाएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर की फोर्स बड़ी है। तो क्या लगेगा? 4 mg माइनस mg इज m इंटू एक्सलरेशन, तो यहाँ से m और m कैंसल, तो एक्सलरेशन क्या आ गया? 3 mg, 3g, 3g। मेथड समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगर इसकी एक्सलेशन 3g है, तो बताओ इस रस्सी को खींच रहे हैं, इसकी एक्सलेशन क्या होगी? बोलो, इसकी एक्सलेशन कितनी? 3g ना, 1.5g, 6g, 6g। क्यों 6g? क्योंकि मैंने आपको ये करवाया था कि अगर इस हिस्से की एक्सलेशन ए है, तो जहां टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन हाफ है, पर तुमने तो ये एक्सलेशन निकाल दी 3g, तो यहां डबल बोलना पड़ेगा आंसर, तो क्या आएगा? 6g। अब सही है, समझ में आ रहा है कि कैसे इसका डबल बोलना पड़ेगा? वैसे नॉर्मली हमने ये सीखा कि इसकी एक्सलेशन ए है, तो जहां टेंशन डबल है वहां एक्सलेशन हाफ बोल दो, पर प्रॉब्लम यह है कि हमने एक्सलेशन यहां की निकाल दी पहले, तो उसको डबल बोल दो, अगर वहां से यहां आने में हाफ है तो यहां से यहां जाने में डबल है। पूछा नहीं उसने, पर आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने दुनिया क्वेश्चन बना दिया। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या कॉन्सेप्ट है इसमें?